नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास और काफी दिनों के बाद ये वाला मैं फिर से सीरीज को कंटिन्यू करूंगा डेली क्लास का टाइम रहेगा दोस्तों साढ़े ठीक है ये टाइमिंग फिक्स रहेगा तो नोट कर लीजिए आप लोग आज से टाइमिंग आज से मतलब बीच में तीन दिन का गैप होगा दोस्तों मैं बता दूंगा आप लोगों को कब रहेगा लेकिन अब से डेली मैं साढ़े छह बजे क्लास लूंगा आज हो रहा है तीन दिन गैप रहेगा कौन कौन सा मैं बता देता हूं आप लोगों को कल है छह तारीख कल गैप रहेगा सात तारीख आठ तारीख ये तीन दिन गैप रहेगा दोस्तों और उसके बाद फिर से कंटिन्यू क्लासेस चालू हो जाएंगी ठीक है साढ़े बजे मैं एक बार आने के बाद वापस नौ तारीख को फिर से एक बार टाइम पूरा अलग से शेड्यूल पूरा बता दूंगा ताकि आप लोग भूले नहीं उस चीज को और एक मॉर्निंग में भी क्लास होगी दोस्तों कितने बजे होगी वो भी मैं बता दूंगा ठीक है तो ये कोर्स है दोस्तों नया कोर्स दस तारीख से स्टार्ट होने वाला है टेंथ ऑफ नवंबर से आप चाहें तो पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश का ये इसका प्राइस है आठ मंथ का इसमें सारे कोर्सेस इंक्लूड रहेंगे अभी दिवाली का ऑफर है तो दिवाली फिफ्टीन लगाकर आप फिफ्टीन ऑफ ले सकते हैं चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन मिनट का समय है तो डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बिल्कुल बेसिक से जैसे बिगिनर्स के मतलब अगर आप हैं, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करना चाहिए साउथ तो आप लोगों को बोल रहा हैं एक रो में ऐसे पैरल रो है जिसमें कि कितने बारह लोग हैं तो दो तीन चार पांच और ये छह ऐसे छह ऊपर और छह नीचे की तरफ बैठे हुए हैं अब बोल रहा है पहली रो में साउथ की तरफ फेस करने वाले आई जे के एल एम एन ये लोग हैं जो कि नीचे फेस कर रहे हैं नीचे वाली रो टू में कौन कौन है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये सभी के सभी ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं अब क्या बोल रहे हैं के एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स के और एम जो है ये दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं तो यहां इसको साथ में ऐसे बना देते हैं आगे आपको बोल रहा है वी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी वी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है टी से तो वी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी ऐसा बनेगा

है ये किस तरफ फेस कर रहा है और इसका राइट इस तरफ होगा तीन प्लेसेस बोला है मतलब बीच में दो लोग आएंगे अब क्या बोल रहे हैं एक्स इज सिटिंग समवेयर मिडिल ऑफ द रो एक्स जो है वो कहीं पर मिडिल में बैठा हुआ है लिख लेते हैं भाई एक्स मिड पे बैठा हुआ है मिड mid, मतलब मिडिल पे कहीं पर भी बैठा हुआ है नीदर यू नॉर वाई सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन यू और वाई जो है ये एंड पर नहीं बैठते क्रॉस कर देते हैं टी ड नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड टी जो है वो भी एंड पर नहीं बैठता क्रॉस कर देते हैं M does not face the immediate नेबर ऑफ डब्ल्यू W के इमीडिएट नेबर को डब्ल्यू के इमीडिएट करता. डब्ल्यू के नेबर चाहे इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो एम फेस नहीं करता आगे बोल रहा who faces J sits टू places अवे फ्रॉम एक्स जो भी बंदा जे को फेस करता है वो दो प्लेसेस अवे है किससे एक्स से तो दो प्लेसेस अवे मतलब या तो एक्स इस तरफ होगा या तो एक्स इस तरफ होगा ठीक है आगे बोल रहे टू पीपल सिट बिटवीन यू एंड वाई यू और वाई के बीच में दो लोग बैठते हैं बना लेते हैं दो दो लोग यू और वाई के बीच में बैठते हैं आगे, आगे आपको बोल रहे थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आई तो आई देखिए दोस्तों ऊपर वाली रो पर है मतलब कि आई जहां पर भी होगा उसके थर्ड टू लेफ्ट में देखना है थर्ड टू लेफ्ट इस तरफ होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर यही होगा ना क्या बोल रहा है यहां पर देखो द इमीडिएट नेबर ऑफ यू द पर्सन यू का इमीडिएट नेबर उस पर्सन को फेस कर रहा है जो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है आई से तो आई से थर्ड टू लेफ्ट में जो भी पर्सन बैठा है इसको जो फेस कर रहा है वो यू का इमीडिएट नेबर है मतलब या तो यू इधर होगा या तो यू इधर होगा ये आपकी सारी कंडीशंस थी दोस्तों कंडीशंस आपको इस प्रकार से लिखनी है अगर आप कंडीशन यही से लिखेंगे तो क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे कहां से स्टार्ट कर सकते हैं कोई बता सकता है सोचिए थोड़ा दिमाग लगा के बोलिएगा कोई हड़बड़ी नहीं है जल्दी बताइए देखो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा प्लेसेस जो कंडीशन फिल कर रही है उससे स्टार्ट करना ये इंपॉर्टेंट होता है जो भी प्लेसेस सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल कर रही है उस कंडीशन से आपको स्टार्ट करना चाहिए सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं दोस्तों सबसे ज्यादा प्लेसेस इस वाली कंडीशन में फिल हो रही है आपको ये वाली कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो भी बना हुआ है ना ये पूरा पहले से नहीं बनाना चाहिए आपको ये पहले से नहीं बनाना चाहिए अगर एंड वगैरह मेंशन किया गया है कि ये बंदा एंड पे बैठता है तभी आप बनाओ वरना मत बनाओ ठीक है अब देखो यहां पर हमको क्या क्या दिख रहा है आई दो छोड़कर जो पर्सन है उसके नेबर में यू होगा ठीक है अब देखो इसमें ना दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारी दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनती है ध्यान से देखिएगा मैं एक एक करके बताऊंगा मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है आप सबसे पहले एल को यहां पर लिए दो पर्सन छोड़कर ये जे हो गया जे के सामने आकर या तो इधर एक्स है या तो उधर है मैं पहले उधर वाला लूंगा क्यों उधर वाला लूंगा क्योंकि उससे मेरे मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच देखो जे के सामने एक छोड़कर यहां पर एक्स जे के सामने एक छोड़कर एक्स मैक्सिमम प्लेसेस पूरे छह के छह फिल हो रहे हैं इसलिए मैंने ये वाले एक्स को पहले चेक किया है आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस जहां फिल हो रहे हैं वो आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी बनती है तो इसको आप पहले चेक करो अब यहां पर क्या करना है दोस्तों और देखते हैं भाई इसमें x जो है वो किसी एक मिडिल साइड में बैठा हुआ है तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई कहीं मिडिल में बैठा है तो एंड पे तो हो ही नहीं सकता मतलब डेफिनेटली इसको हमको यहां पर कंडीशन गलत कर देनी है मतलब ये कंडीशन गलत है ये आगे नहीं हो पाएगी बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि एक्स जो है वो मिड पे होना चाहिए एंड पे नहीं होना चाहिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है हटा देते हैं इसको ये देखो जे से एक छोड़कर ये एक्स हो गया ये कंडीशन हो गई हमारी अब देखिए इसके बाद क्या आपको सेट कर सकते हैं भाई इसके बाद एक ये वाली कंडीशन दिख रही है देखो आई से दो छोड़कर जो पर्सन है उसके नेबर में यू होगा बोल सकते हैं अब ध्यान से सुनिएगा अगर मैं आई को यहां पर लेता हूं तो दो पर्सन छोड़कर ये वाले ये देखो अगर मैं आई को यहां पर लेता हूं फिर से देख लेते हैं और भी कोई कंडीशन है क्या इसमें यू से दो छोड़कर वाई इसको भी कर सकते हैं और यू वाई और टी दोनों तीनों ही एंड पे नहीं होने चाहिए टी से एक छोड़कर वी भी है के और एम साथ में है के और एम ऊपर वाली रो पे। चार पाँच छ देखो दोस्तों के और एम अगर आपको साथ में लेना है ना तो आपके पास दो चीज़ें बनती है या तो के और एम इस वाली जगह पे आएंगे या तो इधर आएंगे या तो इधर आएंगे मतलब किसी भी एंड पे आ सकते हैं वो हमको चेक करना पड़ेगा तो अगर मैं ये वाली कंडीशन देखूं आई वाली तो आई से दो छोड़कर जो पर्सन है मतलब आई के राइट साइड में तीन पर्सन तो होने ही चाहिए कम से कम तीन लोग होने चाहिए तो अगर मैं यहां पर आई को रखता हूं तो डेफिनेटली यहां पर के और एम आ जाएंगे ये के और एम अगर मैं आई को यहां रखता हूं तो डेफिनेटली के और एम यहां पर आ जाएंगे चलो चेक करके देखते हैं अगर मैंने आई को यहां पर रखा तो यहां पर डेफिनेटली के और एम आएंगे हमको नहीं पता कौन कहां आएगा बट यहीं पर आएंगे इसके अलावा और कोई जगह नहीं है अब क्या करना है दोस्तों आई से तीसरे पर्सन के सामने आई से तीसरे पर्सन के सामने के नेबर में यू होगा तो यू यहां पर आएगा अब देखो टोटल कितने लोग हो गए एक दो तीन चार पांच हो चुके हैं यू एंड पे नहीं है मतलब एक एक इस तरफ भी लाइन होनी चाहिए ये देखो यू जो है वो एंड पे नहीं है मतलब एक लाइन और होगा एक लाइन और अब बचा क्या है आपके पास देखो दोस्तों ये वाली कंडीशन हो गई के और एम जहां भी आए छोड़ो उसको कोई मतलब नहीं है और इसके बाद क्या था एक कंडीशन ये वाली u से दो छोड़कर आए तो u से दो छोड़कर आए यहां पर आ जाएगा t से एक छोड़कर v लेना है लेकिन t एंड पे नहीं होना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए कंडीशन गलत नहीं बनेगा नहीं बन पाएगा ये पॉसिबल नहीं है u i k m यहां पर नहीं रख सकते आप अब क्या करेंगे एक उस तरफ शिफ्ट करते हैं इसको अगर मैं i को यहां पर रखता हूं तो दो पर्सन छोड़कर जो पर्सन है इसके सामने u आना चाहिए ये देखो यू इधर भी आ सकता था इधर भी आ सकता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो एक बार इस तरफ चेक कर लेते हैं यू इधर एंड पे भी आ सकता था या फिर इधर लेकिन यू एंड पे नहीं है मतलब इस वाली जगह पे तो यू नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है तो यहीं पर यू को रखना पड़ेगा यू से दो छोड़कर वाई रखना है तो वाई को यहीं पर रखना पड़ेगा टी एंड पे नहीं हो सकता तो टी यहां पर और उसके बाद ये देखो वी यहां पर और क्या बचा आपके पास अब एक के और एम साथ में होने चाहिए चलो मान लेते हैं के और एम को यहाँ पर रखेंगे तो एम जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए मतलब कि डब्ल्यू यहां पर आएगा डब्ल्यू के नेबर को एम फेस नहीं करता मतलब M यहाँ पर K यहाँ पर एक चीज और क्या बच गई है जल्दी बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से एक नाम और कोई सा बचा है आई जे के एल एम एन आई थिंक ये सही है और सॉल्व हो चुका है एक बार चेक कर लीजिए यू वाई नहीं Y एंड पे नहीं है दोस्तों ये Y एंड पे नहीं है ये भी गलत है बहुत पॉसिबिलिटी है यार इसमें तो हद से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चलो कोई नहीं फिर से चेक करेंगे और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम एक काम करते हैं दोस्तों इसको ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करते हैं ये इस कंडीशन से शायद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है हो सकता है कि कोई और इसमें चीज हो कोई और कंडीशन हो जिससे हम जल्दी इसको बना पाएं यू और वाई दोनों एंड पे नहीं है और ये दो ये वाले इससे स्टार्ट करेंगे ये देखो एक दो तीन चार पांच छ आपको बोला यू और वाई के बीच में दो पर्सन है और यू और वाई एंड पे नहीं होने चाहिए मतलब ये और ये वाली जगह पे आएंगे, यू और वाई यू को आप यहां पर नहीं रख सकते क्यों क्योंकि आई से थर्ड मतलब ये देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहां पर ही यू हो सकता है तो यू यहां पर आ ही नहीं सकता यू और वाई यही होगा कन्फर्म है यहां से स्टार्ट करेंगे ये जल्दी बन जाएगा अब देखते हैं और क्या सेट कर सकते हैं इसमें यू जिसका भी नेबर है तीसरा पर्सन आई एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आई यहां पर आ जाए या फिर आई यहां एंड पे आ जाए ठीक है इस वाले को बाद में देखेंगे इसको पहले देख लेते हैं अब क्या बच रहा है टी से एक छोड़कर वी रखना है लेकिन टी एंड पर नहीं हो सकता मतलब टी यहीं पर आएगा वी यहीं पर आएगा एक्स एंड पे नहीं आ सकता एक्स यहीं पर आएगा बचा डब्ल्यू डब्ल्यू यहीं पर आएगा यार इससे आसान बन गया इससे इजी है दोस्तों इससे बनाइएगा भाई जिससे भी नहीं बना था ये ज्यादा आसान है पर एग्जाम में ऐसा होता नहीं है ना कि हम जो सोचें कि हाँ हमको इससे बनाना चाहिए था तो जल्दी हो जाएगा एग्जाम में ऐसा नहीं होता है जो उठा लिए उठा लिए अब क्या है दोस्तों इसके बाद और देखते हैं एल दो छोड़कर जे जे से एक छोड़कर एक्स एल दो छोड़कर जे जे से एक छोड़कर एक्स नहीं होगा एल दो छोड़कर जे कुछ गलत हो रहा है यार अभी भी क्या गलत है समझने आई शायद चेंज करना पड़ेगा तभी बनेगा जिनसे बन गया था बहुत अच्छी बात है भाई एक वन गो में आपसे बन गया मुझसे तो नहीं बन रहा आई चेंज करेंगे तो क्या होगा चेक कर लेता हूं मैं एक बार आई अगर यहां पर आएगा तो छोड़कर तीसरे पर्सन के सामने यू हो जाएगा ठीक है कर सकते हैं आई को हटा देते हैं यहां पर ले लेते हैं अब क्या होगा एल दो छोड़कर जे जे से एक छोड़कर एक्स एल ये देखो एल दो छोड़कर जे जे से एक छोड़कर एक्स ठीक है अब बचा K और M. ये ये वाली कंडीशन सही हो रही है दोस्तों ठीक है देखो आई के लिए दो पॉसिबिलिटी थी एक बार आई को यहां पर लिए थे उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि जे और एल वाली कंडीशन सेट नहीं हो रही थी तो आई को हमने ये एंड पे ले लिया इससे नीचे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्यों फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई से तीसरे बंदे के सामने इसके नेबर में यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे जब आई यहां पर था तो तीसरे बंदे के सामने के नेबर में यू था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब आपको के और एम को रखना है अगर एम डब्ल्यू के नेबर के फ्रंट में नहीं है तो डब्ल्यू के नेबर के फ्रंट में एम नहीं हो सकता एम यहां पर आएगा और के यहां पर आएगा बचा था एन ये क्वेश्चन एक बार चेक करिए सभी का का सही है क्या ऐसे टाइप क्वेश्चन ही फंसाता है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारे अटेम्प्ट कम रह जाते हैं होता कुछ नहीं है सिंपल ही क्वेश्चन होता है बन गया जिससे तो बहुत अच्छी बात है जल्दी जल्दी तो चेक करते हैं आई एन एल एम के जे आई एन एल एम के जे वाई टी एक्स यू डब्ल्यू वी वाई टी एक्स यू डब्ल्यू ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए दोस्तों तीन मिनट का समय अच्छा ऐसा कुछ लोग बोलते हैं सर तीन मिनट आप देते हो लेकिन आप खुद ही तीन मिनट में नहीं बना पाते तो भैया मैं पहले से बनाकर नहीं आया हूं क्वेश्चन तो मुझे कैसे पता कितनी देर में बनेगा कॉमन सेंस की बात है जब मैंने क्वेश्चन पहले बनाया ही नहीं है तो मुझे पता कैसे होगा कि उसमें कितना समय लगना है? ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बताता हूं कि प्री का पजल है तो तीन मिनट में बन जाना चाहिए नहीं बन रहा है मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है तो समझने वाली बात है भाई। इस टाइप के सवाल मत किया करिए ऑफिसर बनने वाले आप लोग आपके कोर्स कितने दिन के लिए है कोर्स पूरा कंप्लीट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ट्वेंटी टू हंड्रेड वाला तो आठ महीनों तक सारी मेरी लाइव क्लासेस या फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं आठ महीने बहुत होते हैं अगले साल का भी आप उसमें एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आर आर वगैरह क्योंकि नवंबर ऑलरेडी चल चालू हो चुका है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जून तक है अप्रॉक्स इशिका जी ओनली रीजनिंग अगर आप लोगे तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा करीब तेरह सौ रुपये का सिर्फ रीजनिंग का एक कोर्स पड़ेगा आपको और कंप्लीट अगर आप लेते हो पंद्रह परसेंट डिस्काउंट करके तो अप्रोक्स आप आपको वो सत्रह सौ पड़ेगा मतलब पाँच सौ का ही डिफरेंस है जिसमें आपको रीजनिंग के चार से पाँच कोर्सेस मिल जाएंगे फिर भी आपकी चॉइस है आप चाहो तो एस बी वाला कोर्स ले सकते हो ट्वेल्व का है वो सिर्फ रीजनिंग होगा उसमें एटी क्लासेस

बोरा जिसको भी ब्लैक पसंद है वो येल्लो वाले के जस्ट नीचे रहता है येल्लो वाले के जस्ट नीचे रहता है आगे आपको बोला no like के नीचे कोई भी नहीं रहता ग्रे के नीचे कोई भी नहीं रहता मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो भी बिल्डिंग है इसमें ग्रे सबसे नीचे होगा उसके बाद आपको क्या बोला वन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द बिल्डिंग लाइक व्हाइट किसी एक बंदे को वाइट पसंद है द वन हु लाइक ग्रीन लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक पिंक जिसको भी पिंक पसंद है उससे जस्ट नीचे जस्ट नीचे ग्रीन वाला रहता है आगे बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ पीपल लिव अब एंड बिलो द फ्लोर इन विच द वन लाइक पीच लिवस बोल रहा है पीच के ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं इसका मतलब क्या है टोटल जितने भी होंगे वो ऑड होंगे जितने भी होंगे वो ऑर्ड होंगे कैसे भाई मिडिल अगर इसके ऊपर चार है नीचे चार है एक ये खुद है तो नौ हो गए इसके है, इसके ऊपर तीन तीन है है नीचे एक ये खुद हो गया तो सात हो गए इसके ऊपर पांच है इसके नीचे पांच है ये एक खुद हो गया तो ग्यारह हो गया मतलब ऑर्ड ही होगा हमेशा आगे बोल है टू पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड द वन हु लाइक पर्पल तो रेड और पर्पल वाले के बीच में दो लोग रहते हैं और क्या है? Like like बोल रहा है, कि जिसको भी पसंद है वो या तो पीच के जस्ट ऊपर रहेगा ऐसे ऊपर या तो पीच के नीचे रहेगा द वन लाइक हुइक इमीडिएटली बिलो टू हु लाइक पीच येल्लो वाला जो है वो पीच के जस्ट नीचे रहता है तो पीच तो के, तो के, like like के, तो के जस्ट नीचे रहता है मतलब कि पीच के ऊपर पर्पल होगा तो हम दोस्तों यहां पर यह बोल सकते हैं कि येलो ब्लैक वाली जो कंडीशन है इससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं ग्रे डाउन पे इसको ऐसा लिख लेते हैं ग्रे बॉटम ठीक है बॉटम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे इसको हटा देता हूं मैं यहां से हम इससे स्टार्ट करेंगे येलो और ब्लैक लिखा हुआ था आपको क्या बोला इस लाइन पे ध्यान से देखिए बोल रहा है द वन हु लाइक पर्पल लिवस इधर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर इन विच द वन हु लाइक पीच लिव्स द वन हु लाइक येल्लो लिव्स इमीडिएटली बिलो टू द वन हु लाइक पीच तो भाई पीच के इमीडिएट नीचे येलो रहता है मतलब पीच यहां पर आ जाएगा अब आपको पता है पीच के ऊपर पर्पल होना चाहिए क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकता ये देखो नीचे येल्लो है तो ऊपर ही होगा पर्पल अब देखो पर्पल से दो छोड़कर रेड है तो पर्पल से दो छोड़कर यहां ब्लैक दिख रहा है तो पर्पल से दो छोड़कर यहां पर रख देंगे रेड को ठीक है और क्या बोला है आगे द वन हु लाइक रेड लिप्स थ्री फ्लोर अबो द वन हु लाइक पर्पल तो पर्पल के तीन फ्लोर ऊपर मतलब ये एक दो और तीसरा ठीक है बिल्कुल सही है द वन हु लाइक येलो लिप्स थ्री फ्लोर अबोव द वन हु लाइक ग्रे येलो वाला जो है तीन फ्लोर ऊपर है ग्रे वाले से मतलब कि ग्रे वाला यहां पर आ जाएगा अब आपके पास दोस्तों पिंक और ग्रीन के लिए दो स्पेसेस खाली सिर्फ यहीं पर दिख रही है तो यहां पर लिख दो पिंक को यहां पर लिख दो ग्रीन को एक नाम जो बच गया वो था वाइट उसको लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हलवा क्वेश्चन था एक बार चेक कर लीजिए सभी रेड पिंक ग्रीन पर्पल रेड पिंक ग्रीन पर्पल पीच येलो ब्लैक व्हाइट पीच येलो ब्लैक व्हाइट और ग्रे ठीक है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन तीन मिनट आदित्य जी आज हो रही है तीन दिन क्लास नहीं होगी तीन दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद फिर से कंटिन्यू साढ़े छह बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों काफी अच्छे अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी और बेस्ट गाइडेंस भी मिलेगा आपके एग्ज़ाम में जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सिर्फ पढ़ाई से अगर पेपर निकलते तो हर कोई पेपर निकाल लेता क्योंकि हर कोई पढ़ता है हॉर्स टारगेट अभी अपलोड हो जाएंगे क्लास के बाद थोड़ी देर में सपना जी डीआई के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होते सिर्फ आंसर होते हैं बाकी सारे सॉल्यूशन होते हैं मार रोहित होगी क्लास अभी थोड़ी देर बाद ये क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद क्लास होगी वो वाली रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाऊंगा उसमें टारगेट में मेंस लेवल के पजल मिलते हैं

U sit second to left of N U जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है N से only person sit between U and R U और R के बीच में तीन 3% बैठते हैं R who sit to the left of N R जो कि लेफ्ट साइड में है N से अगर R लेफ्ट साइड में है N से तो जाहिर सी बात है इस U से एक दो तीन छोड़कर यहां पर R होगा क्योंकि भाई N से लेफ्ट की तरफ में आना चाहिए ना और क्या बोल रहा है नो वन सिट्स एडजेसेंट टू आर आर के एडजेसेंट में कोई भी नहीं बैठता मतलब इधर इधर ये दोनों खाली बोल सकते हैं हम आर के एडजेसेंट में कोई भी नहीं बैठता मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर के इधर भी कोई नहीं है, इधर भी भी कोई कोई नहीं नहीं है है बोल सकते हैं ना या तो एंड पे होगा या तो दोनों तरफ वैकेंट होंगे उसके आगे बोल रहा है आर सीट सेट एन एक्सट्रीम एंड पता चल गया भाई आर एंड पे बैठा है यहां पर बना देते हैं आर को अब अगर बोल रहा है कि आर के नेबर में कोई भी नहीं है मतलब ये वाली जगह खाली उसके बाद देखो तीन पर्सन छोड़कर यू तो एक दो तीन पर्सन छोड़कर यहां पर हो गया यू उसके बाद एक पर्सन छोड़कर यहां पर हो जाएगा एन ये हो गया एन तो ये सारी चीजों को हमने सेट कर दिया आप क्या बोल रहे तो यहां पर देखिए दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन की बात कर करें अगर एन के राइट साइड में दो पर्सन दिख रहे हैं अभी हमको पता नहीं है कि पर्सन है मान लेते हैं एन के राइट में अगर दो पर्सन है तो इधर के दो पर्सन छोड़कर ओ यहां पर हो जाएगा भाई ये तो वैकेंट है ना वैकेंट कोई पर्सन नहीं होता एक आर है एक यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन होगा तो ये दोनों पर्सन ओके लेफ्ट साइड में है एन के राइट साइड में ये दो पर्सन है नो टू टू आर एडजेसेंट एडजेसेंट ईच अदर तो दो सीट नहीं है मतलब डेफिनेटली यहां कोई ना कोई पर्सन तो आने ही वाला है द द आर नॉट एट एंड ऑफ द रू मतलब यहां पर भी एक पर्सन आने ही वाला है यहां पर वैकेंट नहीं हो सकता पी सीट थर्ड टू राइट ऑफ द वन दू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठता है उसके थर्ड टू राइट में थर्ड टू राइट तो इसके थर्ड पहला दूसरा और तीसरा यहां पर हो जाएगा पी भाई देखो टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी है उससे पहला दूसरा तीसरे राइट right पे P हो जाएगा आगे टी एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स और o जो है ये इमीडिएट नेबर्स नहीं है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस टी और एन के बीच में जितने पर्सन है उतने ही किसके किसके बीच में हो जाएंगे क्यू और एस के बीच में पर्सन आगे आपको बोल रहा है एस इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ नॉर यू एस जो है वो ना तो ओ का नेबर है ना तो यू का नेबर है मतलब एस इन दोनों में से किसी एक जगह पर आने वाला है उसके बाद क्या बोल रहा है ओ का कम से कम एक नेबर तो होना ही चाहिए दोनों भी हो सकते हैं पर कम से कम एक नेबर तो होना ही चाहिए ठीक है अब देखते हैं दोस्तों क्या चीज को हम सेट कर सकते हैं यहां पर देखो टी जो है वो ओ के बगल में नहीं है मतलब ये जगह पे तो टी आ नहीं सकता मतलब डेफिनेटली हमको टी को इन ही किसी जगह पे रखना है अब आपको ये भी पता है टी से एक छोड़कर राइट साइड में पी है तो डेफिनेटली टी को यहां और यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि एक पर्सन छोड़कर आप कहां रखोगे फिर तो टी यहां पर आएगा पी यहां पर आएगा एस जो है वो यहां पर आएगा और कहीं आ ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं आप खुद रख के देखिएगा अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो टी यहां पर एक छोड़कर पी और एस यहां पर कन्फर्म है ऐसे केस में अगर ओ का एक पर्सन नेबर होना चाहिए और दोनों वैकेंट साथ में नहीं होने चाहिए तो वैकेंट बचा कौन है मेरे ख्याल से E -N -Q -S को देख लेते हैं टी एन के बीच में नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है दया क्या गड़बड़ है कुछ गलती की है देखते हैं क्या गलती की तो हटाते हैं टी को पी को एस को e टी और एन के बीच में जितने पर्सन हैं

आर का कोई नेबर नहीं है आर एंड पे है ठीक है आर और यू के बीच में तीन परसेंट है तो एक दो तीन चार छोड़ देते हैं और पांच छोड़ देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं यू को ठीक है उसके बाद क्या था यू जो है वो एन से इस तरफ है एन यहाँ पर आ गया एस यहाँ पर एस को छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे और क्या एक बार मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा रुक जाओ कहाँ था

टी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट इमिटेड टी जो है यहाँ पर नहीं आ सकता द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन होसिट बिटवीन क्यू एंड एस एस इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ नॉर यू एस ओ का और यू का नेबर नहीं है ठीक है तो एस के लिए दो जगह बचती है एक ये एक ये और क्या है ओ हैज एटलीस्ट वन नेबर ओ का कम से कम एक नेबर तो होना ही चाहिए मतलब ये वैकेंट नहीं हो सकता यहां तो आएगा ही ना कोई ना कोई पर्सन ठीक है अब एक चीज बचती है दोस्तों यहां पर टी और पी वाली कंडीशन को तो टी को हम कहां पर रख सकते हैं कि सेकेंड टू राइट में पी हो जाए देखो अगर मैं टी को यहां रखता हूं तो सेकेंड टू राइट में यहां पर पी हो जाएगा हो जाएगा ऐसा टी को यहां रखता हूं इमीडिएट लेफ्ट में जो भी है उसके पहला दूसरा तीसरे राइट में पी दिख रहा है ये वाली कंडीशन हमने सेट कर दी टी ओ का नेबर नहीं हो सकता मतलब गलत है और चेंज करते हैं इसको एक बार अगर टी को मैं यहां पर रखता हूं तो टी के इमीडिएट लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा यहां पर हो जाएगा पी ये भी पॉसिबल नहीं है टी के लेफ्ट में जो भी है पहला दूसरा तीसरा पी हो जाएगा और क्या बच रहा है टी और एन के बीच में दो है गलत है यार अभी भी अच्छे क्वेश्चन है आज के मजेदार मजेदार क्वेश्चन है the number of person who sit between t and n is same as the number of person who sit between q and s Fantastic. गलत हो रहा है उस तरफ तर देखते हैं तीन छोड़कर छोड़कर एम ठीक है एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों शायद ये वाला सही हो जाए आर से तीन परसेंट छोड़कर यू फिर एक छोड़कर एन मतलब वैकेंट उसी तरफ होना चाहिए कहीं पर ई e और एन के बीच में जितने हैं उतने क्यू और एस के बीच में होने चाहिए एन के राइट में अगर दो है मान लेते हैं दो परसेंट उधर है यह वैकेंट है ओके okay, राइट right में भी दो पर्सन इधर होना चाहिए तीन दोनों जगह पे नहीं आ सकता कंडीशन गलत हो जाएगी और चीज क्या कर सकते हैं इसको बैकहेंड मानेंगे तो एन के राइट में एक तो ओ के लेफ्ट में एक ओ यहाँ हो जाएगा के okay, बगल में टी नहीं आना चाहिए टी के लेफ्ट में जो भी है उससे पी यहाँ पर आ जाएगा एस ऑफ ओ यू, यहाँ पर आ जाएगा एस फिर भी गलत हो जाएगा मतलब काफी ट्रिकी क्वेश्चन है बन गया तो बहुत बढ़िया नहीं बना तो बहुत लंबे देर तक फंसा देगा कोई बात नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको बना के ही जाएंगे एक और पजल है अभी है ना फिर से देखते हैं आर तो एंड पे होगा ये तो कंफर्म है आर का कोई नेबर नहीं है मतलब एक वैकेंट तो हमको कंफर्म पता ही है ठीक है अब एक एक करके इधर से चेक करना चालू करते हैं अगर बोल रहा है कि आर से तीन परसेंट छोड़कर यू है मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा से अगर बोला है तीन परसेंट छोड़कर यू होना चाहिए ठीक है तो ये तो वैकेंट है मान लेते हैं कि अभी इनके बीच में और कोई वैकेंट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई यहां पर छोड़कर ले छोड़ ले यू ले लेंगे फिर एक छोड़कर एन है तो एक छोड़कर यहां पर एन ले लेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर तो कोई वैकेंट हम मान नहीं रहे हैं कि वैकेंट है तो यहां पर एक वैकेंट हो सकता है या तो फिर इधर वैकेंट हो सकता है अगर मैं यहां पर वैकेंट मानता हूं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेक किया था गलत हुआ था कैसे गलत हुआ था वो देख लेते हैं एन के राइट में दो पर्सन तो इधर भी दो पर्सन छोड़कर ओ हो जाएगा अब अगर टी यहां इन दोनों जगह पे नहीं आएगा मतलब टी के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है तो यहां तो आप नहीं रख सकते इसको एन को तो सॉरी वैकेंट को यहां पर नहीं रख सकते वैकेंट को यहां पर नहीं रख सकते और देखते हैं भाई अगर वैकेंट को यहां नहीं रख सकते तो वैकेंट को यहां पर रख के देखते हैं अब क्या होगा दोस्तों देखो n के राइट में एक 1% दिख रहा है तो o के लेफ्ट में एक 1% दिखेगा यहां पर ये कंडीशन बोला है कि नहीं बोला है? यार मैं बार-बार चेक तो कर रहा हूं t and o are not immediate neighbor the number of person who sit between t and n नहीं कहां पर बोला था द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द राइट ऑफ n इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ हू ठीक है सही चेक कर रहा हूं अब क्या करेंगे t यहां नहीं आ सकता तो t और p t और p यहां तक तो सही लग रहा है लेकिन इसके बाद कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ तो गड़बड़ है दया क्यू और एस यही बस गलत हो रहा है बाकी सब सही हो रहा है पी e से एक छोड़कर पी इस कंडीशन पे ही कुछ है गड़बड़ द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन टी एंड एन जरूरत नहीं है पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी पर टी को यहाँ नहीं रख सकते टी को यहाँ रखेंगे पी को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ कंडीशन गलत ठीक है ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों ठीक है अब एक जो लास्ट वाला बचा था उसको भी चेक करते हैं इसमें तो उम्मीद करता हूँ भाई बन जाना चाहिए इसके बाद भी नहीं बना तो फिर क्या ही बोलेंगे एक दो तीन तीन चार एक वैकेंट और मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं यू एक छोड़कर एन अब एन के राइट में एक है तो ओ के लेफ्ट में भी एक होगा हाँ ये हो जाएगा सॉल्व ये देखो टी के सेकंड टू राइट टी पी एस इसके बगल में नहीं आ सकता और क्या बोला था टी और एन के बीच में कुछ भी नहीं है मतलब एस और क्यू के बीच में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए एस और क्यू दोनों को यहां पर रख देंगे करके ही लिखता हूं एस जो है वो ना तो ओ का नेबर है ना तो यू का नेबर है एस यहां पर आएगा अब क्यों यहां आएगा कि यहां आएगा एस एज नीदर है एटलीस्ट वन नेबर ठीक है ओ हैज एटलीस्ट वन नेबर क्यों यहीं पर आएगा ये वैकेंट होगा सॉल्व हो गया बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था मजेदार क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आज की क्लास क्या पिछले एक महीने में जितने पजल मैंने करवाए हैं चाहे वो पेड क्लास हो चाहे ये अभी तक का सबसे बेस्ट पजल था ये बेस्ट पजल तो बेस्ट पजल का अवार्ड दिया जाएगा इस पजल को जिसने इस क्वेश्चन को तीन से चार मिनट में बना लिया मान के चलिए आप पजल में अच्छे हैं आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हो सकता है आपको टाइम लग रहा होगा क्वेश्चन में लेकिन अगर ये पजल आपने बना लिया मतलब आपका दिमाग तेज है आप बना सकते हैं बहुत जल्दी पिछले वाला अरेंजमेंट ठीक था हाँ मैंने ये पहले बनाया था लेकिन मैं गलती ये बार बार कर रहा था कि नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ पर लेने थे ना उसको काउंट नहीं कर रहा था मैं टी और एन क्यू और एस वाले चीज को मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था बार बार उसी चीज में मैं गलती कर रहा था तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते आर डैश ओ क्यू आर डैश ओ क्यू एस फिर डैश यूटीएनपी यूटीएनपी ठीक है एक पजल और तीन मिनट का समय है जल्दी से बनाइए फिर खत्म करेंगे आज की क्लास ये चौथा पजल है आज की क्लास का सारा केसेस बना लिए इसको छोड़ के हाँ सही बात है जो आंसर है उसको छोड़ के सब कुछ बना लिए सब्सक्रिप्शन में डीआई आप करवाएंगे या सर्वर सर सर्वर सर भी करवा रहे हैं और मैं भी करवा रहा हूं मेरा कोर्स अलग चल रहा है मेरा कोर्स अलग दस तारीख से स्टार्ट होने वाला है हंड्रेड डीआई का वो हंड्रेड डीआई आप लोगों के एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ सारे बैंक एग्जाम में काम आ जाएंगे बेसिक से अगर आपको सीखना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में है बाईस सौ रुपये आठ महीने के लिए जिसमें कि पंद्रह परसेंट डिस्काउंट चल रहा है आज दिवाली फिफ्टीन कोड लगा लीजिएगा दीपक जी अपलोड हो जाएंगे रात तक टेंशन मत लीजिए आज के टारगेट में चालीस डी आई में देने वाला हूं प्री लेवल के चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था अभी तक डन का मैसेज एक ही देख दो लोगों का ही आया है नाइन परसेंट लाइक फोर डिफरेंट लैपटॉप तो चार लैपटॉप कौन कौन से हैं एप्पल एचपी डेल और लेनवो

ठीक है ना तो लेनवो पसंद है उसके बाद क्या बोल रहे नॉट मोर देन टू परसेंट लाइक एन एप्पल नॉट मोर देन टू परसेंट लाइक एन एप्पल एप्पल पसंद करने वाले दो से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए दो से कम तो हो सकते मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं वन और टू इससे ज्यादा नहीं हो सकते एस नीदर लाइक द सेम लैपटॉप एस क्यू नॉर एम मतलब एस जो है वो क्यू और एम के जैसा लैपटॉप पसंद मतलब सेम लैपटॉप पसंद नहीं करता नीदर लाइक सेम लैपटॉप एस टी और ओ एम को टी और ओ जैसा लैपटॉप मतलब वही वाला लैपटॉप नहीं पसंद द नंबर ऑफ पर्सन लाइक द लैपटॉप विच इज लाइक बाय एन इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लाइक बाय डेल तो डेल और एन वाले में सेम होना चाहिए डेल एंड एन वाले में सेम होने चाहिए मतलब तीन तीन होने चाहिए ठीक है तो अगर डेल और एन वाले में सेम होने चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई डेल वाले में तो तीन लोग हैं ही एक दो तीन अब एन कहां पर आ सकता है या तो यहां पर आ सकता है या तो यहां पर तो कॉमन सेंस की बात है यहां दो से ज्यादा नहीं हो सकते तो तीन कैसे आएंगे मतलब डेफिनेटली यही होगा एक दो तीन जिसमें से एक एन है समझ में आया फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनना भाई आपको बोला डेल और एन में सेम नंबर ऑफ पर्सन है तो तीन तीन आएंगे कंफर्म है एकदम तीन और तीन ही आएंगे तो अगर डेल और एन में तीन तीन आने वाले हैं तो डेल में तीन हो गए यहां तो एन था नहीं अब एन के लिए कौन सी जगह है देखो यहां पर भी एन नहीं है एन के लिए सिर्फ यही दो जगह है यहां दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते तो तीन कैसे आएंगे मतलब डेफिनेटली यहीं पर तीन आने वाले जिसमें से एक एन है एक अब देखो दोस्तों आपको क्या सेट करना है ये वाला कंडीशन हो गया अब देखो पी इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता ठीक है और एल अकेला है ये देखो एल अकेला है तो यहां यहां नहीं आ सकता इसमें भी देखो एल नहीं आ सकता मतलब एल सिर्फ यहां पर आएगा अब आर और पी अगर दोनों साथ में है तो यहीं पर आएंगे और कोई जगह पर नहीं आएंगे ठीक है तो एल पी एन आर ये सब कुछ हो चुका है इसके अलावा क्या बचा है एम जो है वो टी ओ और देखो एस के साथ भी नहीं है एम जो है वो एस के साथ नहीं है तो एम टी ओ और एस के साथ नहीं है मतलब ये टी ओ और एस एक साथ हो सकते हैं कॉमन सेंस की बात है भैया जब एम इन तीनों के साथ नहीं है तो ये तीनों को यहां रख दो एम को यहां रख दो टी ओ एस। तो बच्चा क्या है क्यूँ ये आपका क्वेश्चन नेवर स्किप पजल बोलते हैं इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन कोई हलवा होते हैं जिसके पास दिमाग तेज जिसका दिमाग तेज है उसके लिए हलवा है वरना आप उलझ जाओगे इतने में रख रखें किसको रखें कैसे रखें कहाँ आएगा उम्मीद करता हूं बन गया होगा सभी से चेक कर लेते हैं दोस्तों एप्पल में एल एप्पल में एल एचपी में एन क्यू एम एचपी में एन क्यू एम डेल में टीओ एस और की गलत है दोस्तों डेल में ये गलत है आंसर आंसर को मत देखिए ठीक है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे फ्रूट्स की जगह इसके नाम किए गए थे तो गलत है थोड़ा सा तो ये है दोस्तों अच्छा आंसर फिर से दिखा देता हूँ चेक कर लो भाई ये आंसर सही है एकदम परफेक्ट है हंड्रेड परसेंट बार बार दिमाग तेज कहा बिकता है बिकता है बिकता है बहुत बिकता है, है।, है तो चलते हैं आगे ये है आप दोस्तों आप लोगों का कोर्स मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कोर्स के रिलेटेड डिटेल काफी लोग पूछते रहते हैं एक नंबर भी दे रहा हूं दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं लेकिन सुबह दस बजे से लेकर रात शाम छह बजे तक टेन ए एम टू सिक्स पी एम ठीक है ये मैं कॉल नहीं उठाता हूं ठीक है ना टीम उठाती है कॉल और उसमें आपको जो भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं तो नंबर है एट टू सिक्स जीरो टू फाइव वन एट फाइव नाइन या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसमें हालांकि व्हाट्सएप का रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है दिवाली फिफ्टीन इस कोड को लगाकर आप बाईस सौ वाला जो सब्सक्रिप्शन है उस पर पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट यानी कि कितना होता है 2200 का तीस पंद्रह परसेंट जल्दी बताओ पांच सेकंड में आंसर चाहिए मुझे 2200 का 15% परसेंट कितना होता है कैसे निकालते हैं देखो एक जीरो हटाए ये 10% परसेंट इसका आधा 5% परसेंट मतलब 220 और 110 यानी 330 इतना आपका ऑफ हो जाएगा अठारह रुपए आपको आठ मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें कि आप आठ महीनों तक सारी क्लासेस देख सकते हैं चाहे वो मेरी मैथ्स की क्लासेस हो डीआई की क्लासेस हो रीजनिंग की क्लासेस हो मेंस लेवल की क्लासेस हो प्री की क्लासेस हो ये जैसे ये कोर्स है ना एक 500 का इस टाइप के हर महीने कोर्सेस आते रहते हैं मेरे वो सारे कोर्सेज आपके इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो जाते हैं जो कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन है और उसमें आप चाहें तो इंग्लिश और मैथ्स की सर्वर सर की और शिवांगी मैम की भी क्लासेस देख सकते हैं वो इंक्लूडेड है उसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं है ठीक है तो चलिए खत्म करते हैं थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में